रहमान रहीम। डिकेड 2023 इंग्लिश प्रैक्टिस एमसीक्यूज में डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। एमसीक्यू नंबर वन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए देखिए, नो बॉय एंड नो गर्ल। जब बी एंड दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को ज्वाइन करें। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो वर्ड्स है जो इंडिविजुअली हर मेंबर को रेफर करे। फॉर एग्जांपल, ईच, एवरी, नीदर, नॉन, नो, वन वगैरह, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स है। तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तमाम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स या प्रोनाउन के साथ वर्ब सिंगुलर यूज हो, चाहे वो ईच हो, एवरी हो, नीदर हो, नॉन हो, वन हो, नो हो। इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। इवन अगर एंड ने दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को ज्वाइन किया हो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, फिर भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब नहीं होगा। इसी तरह ईच बॉय एंड ईच स्टूडेंट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज सिंगुलर वर्ब होगा, चाहे एंड ने ज्वाइन किया हो। सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन है जो प्लूरल है, और वो है बोथ। बोथ इज करेक्ट नहीं होगा, बोथ आर करेक्ट। बाकी तमाम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन सिंगुलर। तो यहाँ पर आर और वर दोनों ऑप्शन प्लूरल है, दोनों इनकरेक्ट हो गई। अच्छा, हैज़ के बाद बीन होना चाहिए, तब अलाउड। तो हैज़ बीन अलाउड, इस वजह से इनका ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि नो के साथ सिंगुलर वर्ब। तमाम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। इवन एंड ने दो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन को ज्वाइन किया, और फिर भी सिंगुलर वर्ब। एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन जो कि प्लूरल है, और वो है बोथ। बोथ आर करेक्ट, बोथ इज करेक्ट एंड करेक्ट होगा। दे कैन नॉट क्वालिफाई अनलेस दे। अब अनलेस का मतलब है इफ नॉट, मतलब इसमें नॉट की मीनिंग इंक्लूडेड है। जब नॉट की मीनिंग इंक्लूडेड है, तो इसके साथ हम नॉट नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह फॉरबेड, अनटिल, इसी तरह लेस्ट और नेवर, ऐसे वर्ड, हार्डली, स्कॉर्सली, रेयरली, ऐसे वर्ड है जो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव है, तो इसके साथ कोई और नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़। इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई। अब ये जो क्लॉज है, ये फ्यूचर में कंडीशन को रेफर कर रही है। जब कोई क्लॉज फ्यूचर में कंडीशन को रेफर करे या टाइम को रेफर करे, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। फ्यूचर सिंपल नहीं, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अनलेस यू दे इम्प्रूव। कोई भी क्लॉज जो फ्यूचर में या टाइम को रेफर करे या फ्यूचर में कंडीशन को रेफर करे, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हेल्प यू व्हेन आई गेट फ्री। आई विल हेल्प यू व्हेन आई विल गेट फ्री इनकरेक्ट होगा। क्यों? नंबर थ्री, डजेंट एवरी वन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। मिस्टेक को स्पॉट करना है फोर ऑप्शन में से। तो एवरी वन के साथ डज यूज हुआ है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं। अब यहाँ पर स्टूडेंट कहेगा कि एवरी वन के साथ हैज़ आना चाहिए, हैव नहीं। लेकिन यहाँ पर हैज़ नहीं, हैव ही ठीक है। यहाँ पर हैव में कोई मिस्टेक नहीं है। उसकी रीज़न ये कि डज यूज़ है, और डज के बाद हम बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं डज के बाद, या डू डेट के बाद, या इसी तरह विल वुड के बाद। तमाम मॉडल वर्ब्स, तमाम सेमी मॉडल वर्ब्स और डू डिड डज के बाद हम बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म हैव हैज़ बेस फॉर्म नहीं है। बेस फॉर्म वो फॉर्म जिसके साथ हम आई एन जी के एडिशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हैव इसके साथ आई एन जी के एडिशन करें, हैविंग। हैज़ के साथ आई एन जी के एडिशन नहीं कर सकते, हैजिंग कोई वर्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन डी के इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके एंड पे फुल स्टॉप यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में मिस्टेक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं कि फ़ौरन ये ऑप्शन पढ़ के कहते हैं यहाँ पर हैज़ आना चाहिए था, हैव इन करेक्ट है। हालांकि ये करेक्ट है, मिस्टेक ऑप्शन डी में है, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप नहीं। ठीक है, नंबर फोर, द पीपल हैड बीन बिलीविंग इन मल्टीपल गॉड्स फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे एक्सेप्टेड इस्लाम। बिलीविंग वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, या वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस और वर्ब्स ऑफ पोजेशन, आई एन जी फॉर्म्स में नहीं यूज़ होते। फॉर एग्जाम्पल, ट्रस्ट, लव,
हेट नीड वांट डिमांड सी टच हियर सी टच हियर, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो एनजी फॉर्म्स में नहीं होते, क्योंकि ये कोई फिजिकल या वर्बल एक्शन नहीं एक्सप्रेस करते। जो कोई फिजिकल या वर्बल एक्शन नहीं एक्सप्रेस करते वो वर्ब्स एनजी फॉर्म में नहीं यूज हो सकते। नोइंग बिलीविंग ट्रस्टिंग नीडिंग डिमांडिंग वांटिंग वगैरह, टचिंग सीइंग हियरिंग स्मेलिंग टेस्टिंग एनजी फॉर्म में नहीं यूज होंगे। तो ऑप्शन ए करेगा। बी देखिए, देयर पीपल हैड बिलीव्ड इन मल्टीपल गॉड्स फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे गॉट एक्सेप्टेड इस्लाम। ऑप्शन बी में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर इसकी जगह हम कोई और टेंस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर इसकी जगह हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह। ऑप्शन सी देखिए, पीपल हैव बिलीव्ड इन मल्टीपल गॉड्स फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे एक्सेप्टेड इस्लाम। अब एक्सेप्टेड इस्लाम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, मतलब पास्ट टेंस है, और है बिलीव प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट है। या तो दोनों पास्ट होने चाहिए या दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। द पीपल हैड बिलीव इन मल्टीपल गॉड सेंस मेनी ईयर्स, सेंस मेनी ईयर्स नहीं फॉर मेनी ईयर, ड्यूरेशन के लिए सेंस यूज नहीं होता, ड्यूरेशन के लिए फॉर सेंस यूज होता है पॉइंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेंस 1990 या सेंस 18th सेंचुरी इस तरह होता तो फिर सेंस करेक्ट था। यहाँ पर ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए फॉर होगा, सेंस पॉइंट के लिए होगा। सेकंड नंबर फाइव, शी आस्क्ड दैट व्हाई वाज इट इन लॉस। आस्क के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं यूज होता, इनडायरेक्ट स्पीच के एंड पे फुल स्टॉप होता है, इन्वर्जन भी नहीं होती, वाज इट नहीं होगा, एट वाज होगा, दो मिस्टेक्स हो गई। और आस्क के साथ दैट भी नहीं यूज होता, तीन मिस्टेक्स हो गई। ऑप्शन बी देखिए, शी आस्क व्हाई इट इज, वाई से पहले आस्क सेकंड फॉर्म है और इसके बाद इस फर्स्ट फॉर्म, इन करेक्ट, या तो दोनों फर्स्ट या दोनों सेकंड। शी आस्क्स व्हाई इट इज इन लॉस, आस्क्स प्रेजेंट इज बी प्रेजेंट। शी आस्क्ड व्हाई इट वाज इन लॉस्ट, आस्क पास्ट वाज बी पास्ट, या दोनों प्रेजेंट या दोनों पास्ट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स पास्ट प्रेजेंट या प्रेजेंट पास्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ वाले केसेज में पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल ही सेड गॉड इज वन, सेड सेकंड फॉर्म, इज फर्स्ट फॉर्म। द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द टीचर सेड सेकंड फॉर्म, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फर्स्ट फॉर्म। पास्ट प्रेजेंट यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ वाले केसेज में पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। शी आस्क्ड व्हाई इट वाज इन लॉस। अब ऑप्शन सी टी के कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि न क्वेश्चन मार्क है, न डेट है, न इनवर्जन है और न प्रपोजिशन। ऑप्शन डी में मिस्टेक ये कि आस्क फ्रॉम मी इनकरेक्ट है, शी आस्क मी होना चाहिए था। लास्ट सेंटेंस, कंप्लीट द सेंटेंस, ही इज ओनली यूज्ड टू ब्लैंक द टेक्स्ट। ट्रांसलेट, ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेट डेट, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे है, ये सी और डी, तो ये आप इसको चेंज कर दे, इसको कर दे टू ट्रांसलेट, ऑप्शन डी होगा टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेटेड की जगह होगा टू ट्रांसलेट। ही इज ओनली यूज टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेटेड, टू ट्रांसलेट, या इसकी जगह ट्रांसलेट्स ही करते बेशक, क्योंकि ऑलरेडी टू ही, बहरहाल कोई फॉर्म यूज करे ट्रांसलेट्स या टू ट्रांसलेट। तो अब यूज टू के बाद हम हमेशा बेस फॉर्म यूज करते हैं। अगर यूज टू से पहले इज एम आर वाज वर नाउ, फॉर एग्जांपल ही यूज टू प्ले क्रिकेट, वी यूज टू स्विम इन द रिवर, यूज टू के बाद बेस फॉर्म। लेकिन अगर यूज टू के पहले इज एम आर वाज वर में से कोई वर्ड हो तो फिर यूज टू के बाद बेस फॉर्म नहीं बल्कि एनजी फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई एम यूज टू स्विमिंग, वी वर यूज टू रीडिंग। तो अब ये यूज टू है लेकिन यूज टू से पहले इज है, तो इसलिए बेस फॉर्म नहीं होगी बल्कि आईएनजी फॉर्म होगी। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है, ही इज ओनली यूज टू ट्रांसलेटिंग, और सेकंड फॉर्म या एस वाली फॉर्म या टू वाली फॉर्म इसकी बात नहीं होती। यूज टू के बाद बेस फॉर्म अगर एज एम आर वाज वर्ड नहीं है, वी यूज टू स्टडी, वी आर यूज टू स्विमिंग।
अगर इज एम आर वॉज वर इसके पहले है तो आई एन जी फॉर्म, इज एम आर वॉज वर इसके पहले नहीं है तो बेस फॉर्म, यहाँ पर इज है तो इसलिए आई एन जी फॉर्म। ही इज़ यूज टू ट्रांसलेटिंग, अब अगर इज ना होता तो फिर इस तरह होता, ही यूज टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर इज है तो इसलिए आई एन जी फॉर्म ट्रांसलेटिंग बीटा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एम सी क्यू थी, कुछ प्रैक्टिस मजीद मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा एम सी क्यूज़।